Student, in this lecture we study the process of parturition in human. What is the parturition? Parturition is the process of expelling the fully formed young one or fetus from mother's womb or uterus at the end of gestation period. जब बेबी क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है मदर के वूम में, गेस्टेशन पीरियड में, तो उस केस में लास्ट में इसका बॉडी से बाहर आना क्या कहलाता है? पार्चुरेशन. गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ. कंसेप्शन मीन्स फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से लेके ये कैसा होता है आपका बर्थ तक, गेस्टेशन पीरियड. इसके बाद बेबी का बाहर एक्सपेल होना, पार्चुरेशन. ये मैकेनिज्म कैसा होता है? इट इज इंड्यूस्ड बाई कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. पार्चुरेशन को जो कंट्रोल कर रहा है वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कंट्रोल करता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. अब देखो, न्यूरो में नर्वस काम कर रहा है, एंडोक्राइन में हार्मोन कर रहा है, यही हमारी बॉडी में क्या करते हैं? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नीड पॉइंट ऑफ व्यू विच इंड्यूस इज द पार्चुरेशन, दैट इज द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. अब देखो, जो पार्चुरेशन स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होता है? इसके लिए जो फर्स्ट सिग्नल आता है वो कहाँ से आता है? फुली फॉर्म फीटस से आता है और प्लेसेंटा दोनों से. ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीट होता है कि जो पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन के लिए सिग्नल कौन देता है? प्लेसेंटा देता है या फुली फॉर्म फीटस देता है या दोनों देते हैं? दोनों ही देते हैं. इसकी वजह से यूट्रस के अंदर स्लोली स्लोली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसे बोलते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. आपको पता है रिफ्लेक्सिस कैसी होती है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है जो अपने आप होती है किसी स्टिमुलस के लिए. ये स्टिमुलस कौन देता है? फीटस देता है. किसके लिए? बाहर आने के लिए. सो दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिवली, कि व्हाट इज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. अब देखो, जब ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होती है, फीटस के हार्मोन और दूसरा हार्मोन्स किसके? मदर के हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं इसमें. पहले सिग्नल फीटस से और प्लेसेंटा से आ गया, फिर हार्मोन रिलीज हो जाते हैं. हार्मोन रिलीज हो जाते हैं तो इसमें क्या है, डिलीवरी प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन, वो स्टार्ट हो जाता है. पार्चुरेशन का दूसरा नाम क्या होता है? विजाइनल, नॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग, और इसे लेबर भी बोलते हैं. नॉर्मल विजाइनल आपकी क्या डिलीवरी, इसे क्या बोलते हैं हम? पार्चुरेशन. इसमें मदर का जो हार्मोन रिलीज होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, जिसका काम है जो कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन की स्टार्ट हुई थी उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट कर देना. वो यूट्राइन मसल्स पे काम करेगा जिससे स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी और जिसकी वजह से और ज़्यादा सक्रीशन हो जाएगी किसकी? ऑक्सीटोसिन की. और ऑक्सीटोसिन से जो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, इसको एक टर्म देते हैं हम नाम क्या? लेबर. लेबर का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं मदर में लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए, और ये लेबर पेन जो स्टार्ट होते हैं वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होते हैं. जिस मदर्स के अंदर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम लेबर पेन नहीं है, डॉक्टर उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देता है ताकि उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए. यदि और कोई कंडीशन आ जाए जिसके अंदर बेबी क्या है, सर्विक्स और वेजाइना से बाहर नहीं आ सकता, यानी कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में वो सर्जरी को क्या कर देते हैं? रिकमेंड कर देते हैं. उस केस के अंदर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, जो प्रोसेस हम स्टडी कर रहे हैं उसमें एब्डोमन पे सीधा कट लगाया जाता है और बेबी को बाहर क्या करवा लेते हैं हम? इजेक्ट करवा लेते हैं. अब देखो, ऑक्सीटोसिन जो रिलीज हुआ तो इससे क्या हुआ? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रीशन ये कॉन्टिन्यूस होता है, रिजल्टिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग क्या करता है? यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता रहता है? इंक्रीज करता रहता है. ये प्रोसेस फिर क्या होता है? कॉन्टिन्यू रहता है, जिसकी वजह से बेबी बाहर एक्सपेल हो जाता है. किसकी हेल्प से? बर्थ कैनाल से.
ये टोटली तीनों स्लाइड्स हैं आपकी एनसीईआरटी हैं कि कैसे पार्चुरेशन होती है। अब हम करेंगे कि पार्चुरेशन के टाइम कौन कौन से हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, कैसे कैसे ये मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। देखो पार्चुरेशन आपको बता ही दिया, सिंपली मींस टू गिविंग बर्थ। ये आपकी क्या है पार्चुरेशन, अभी बताई, इसे लेबर बोलते हैं। ये प्रोसेस है ऑफ एक्सपेलिंग द फिटस। इसमें स्ट्रोंग क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है किसकी, यूट्रस की। बेबी क्या हो जाता है, बाहर एक्सपेल। इसमें दो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट रोल आपको पता चल ही रहा है, प्रोग्रेसिव हार्मोनल चेंजेज। ये क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं एक्साइटेबिलिटी को। सेकेंड इसमें आते हैं प्रोग्रेसिव मैकेनिकल चेंजेज, जो स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और ये इसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब देखो हार्मोनल कंट्रोल कौन कौन से फैक्टर हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव भी है आपका और सब्जेक्टिव भी है। देखो सबसे पहले इसमें जो रोल है वो प्रोजिस्ट्रोन है। आपको पता है प्रोजिस्ट्रोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। हम एंडो प्रेगनेंसी पे है कि पार्चुरेशन जो होता है वो एंडो प्रेगनेंसी पे होता है, तो इस केस के अंदर प्रोजिस्ट्रोन की अमाउंट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डाउनवर्ड एरो दिखा रखा है, तो प्रोजिस्ट्रोन की एक्साइटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट ऑस्ट्रोजन की एक्साइटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी इस केस में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखो जब अर्ली 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं उस केस के अंदर ई बाय पी, ई से आपका क्या हो गया ऑस्ट्रोजन, सेकेंड पी बाय में क्या हो गया प्रोजिस्ट्रोन, ये रेशो आपकी क्या होती है, बैलेंस। पॉइंट टू बी नोटेड, जब प्रेगनेंसी 40 वीक की हम कंसीडर करते हैं, 30 वीक के टाइम इस केस के अंदर जो ऑस्ट्रोजन और प्रोजिस्ट्रोन क्या होता है, बैलेंस। जैसे ही 30 वीक क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, एस्ट्रोजन की अमाउंट, इसकी अमाउंट तो क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। प्रोजेस्ट्रोन की अमाउंट क्या हो जाएगी, रीच कर जाएगी एक स्टेशनरी लेवल पे, यानी डिक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज होगा तो ईपी ई बाय पी ऑस्ट्रोजन बाय प्रोजिस्ट्रोन की रेशो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी है वो प्रोग्रेसिवली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और लेबर बिगिंस हो जाती है, और जिसकी वजह से प्रोजिस्ट्रोन इनिबिशन इज ओवरकम बाय इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन। दिस इज पॉइंट नोटेड। लेबर जो बिगिंस है, यानी पेन, जो लेबर का मतलब होता है पेन होता है मदर में, ये लेबर पेन जो स्टार्ट होता है कब होता है, व्हेन प्रोजिस्ट्रोन इनिबिशन इज ओवरकम। प्रोजिस्ट्रोन जो इनिबिशन रोक रहा है वो ओवरकम हो जाता है एस्ट्रोजन के लेवल के इंक्रीज होने से। सेकंड इसमें हार्मोन जो रोल प्ले करते हैं वो फीटल हार्मोन है। हमने पहले मदर के हार्मोन किए, प्रोस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन। फीटल हार्मोन्स में इसके अंदर जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, फीटल पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन। पहले तो इसमें रोल प्ले कर रहा है फीटल की पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपको पता है पिट्यूटरी की थ्री लोब्स होती हैं, एंटीरियर, फिर आपको पता है इंटरमीडिएट, और फिर कौन सी है, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सबसे पहले ऑक्सीटोसिन बनाती है। फीटल का एडर्नल कॉर्टेक्स पार्ट हार्मोन बनाता है जिसका नाम क्या होता है, कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल भी एक तरह से क्या है, ऑक्सीटोसिक हार्मोन है, यानी ऑक्सीटोसिन जैसा, जैसे मदर की पिट्यूटरी बनाती है। और फिर प्रोस्टाग्लैंडिंस भी रिलीज होते हैं। ये रिलीज कहाँ से होते हैं, फीटल मेम्ब्रेन से, जो बेबी को सराउंड करती हैं। ये हेल्प करती हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्टिलिटी में ड्यूरिंग द लेबर। यानी फीटल के कितने हार्मोन्स रोल प्ले कर रहे हैं, थ्री। एक तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, एक एडर्नल कॉर्टेक्स का, उसका भी रोल सेम है। सेकेंडली इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो कौन रिलीज करते हैं, फीटल मेम्ब्रेन्स। अब देखो हार्मोनल फैक्टर में ऑक्सीटोसिन का क्या काम है। ऑक्सीटोसिन आपको पता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब ऑक्सीटोसिन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूट्राइन मसल्स में, जो इंक्रीज हो जाते हैं इन लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। जो रेट है ऑफ ऑक्सीटोसिन सेक्रीशन हैड बीन सीन टू बी हाई एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब डिलीवरी के टाइम रेट ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। मान लो किसी में पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं है
उस केस के अंदर उसका लेबर पेन प्रोलोंग्ड हो जाता है, यानी गेस्टेशन पीरियड उसका 280 डेज को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। और उस केस के अंदर उसका जो लेबर है यानी पेन जो स्टार्ट हो रहा है वो प्रोलोंग हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल इरिटेशन और स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स, मान लो सबसे पहले आपको पता है यूट्रस की जो ओपनिंग है वो सर्विक्स है, बेबी पहले सर्विक्स में आता है फिर वेजाइना में आता है, मान लो इसी में कोई स्ट्रेचिंग हो जाए इसके सर्विक्स के रिसेप्टर्स की, तो ये भी ऑक्सीटोसिन बनाना क्या कर देता है शुरू, जिससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज। दिस इज अ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द पार्चुरेशन। सबसे पहले देखो क्या है, आपको ये बताया गेस्टेशन पीरियड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब गेस्टेशन पीरियड क्या हो गया, कंप्लीट हुआ, बर्थ होना है तो सबसे पहले सिग्नल किसने दिया, फीटल ने। फीटल ने क्या किया, हार्मोन रिलीज किया एड्रेनल कॉर्टेक्स से जिसका नाम क्या है, कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल जब हार्मोन काम करता है तो इसने क्या काम किया, प्रोजिस्ट्रॉन, जो शुरू में आपको पता है कि इसका लेवल बढ़ गया कोर्टिसोल से, फीटल फ्री कोर्टिसोल, प्रोजिस्ट्रॉन जब इंक्रीज हुआ तो इसने पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी को कहा कि ऑक्सीटोसिन बनाना क्या कर दो, शुरू कर दो। ये ऑक्सीटोसिन का काम है यूट्राइन की कंट्रैक्शन की वॉल को स्टार्ट करना, फिर पार्चुरेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब देखो जो प्रोजिस्ट्रॉन हार्मोन है, एक तो आपको पता है फीटल फ्री कोर्टिसोल, पहले कोर्टिसोल बना रहा है फीटल, प्लेसेंटा भी क्या बनाता है, प्रोजिस्ट्रॉन बनाता है। जैसे एंडो प्रेगनेंसी होता है प्रोजिस्ट्रॉन हार्मोन बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब प्रोजिस्ट्रॉन हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा तो ये आपको पता है क्या कहता है पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी को, ऑक्सीटोसिन की अमाउंट को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। जब आपको पता है प्रोजिस्ट्रॉन डिक्रीज होता है, इस केस में एस्ट्रोजन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इंक्रीज, तो ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स पे काम करेगा और इसकी अमाउंट को बढ़ा देगा। और साथ साथ में यूट्रस की वॉल के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की अमाउंट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम भी होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल करना, और जो पार्चुरेशन में क्या करता है, रोल। यानी कि सबसे पहले फीटल ने कोर्टिसोल बनाए, फीटल ने जब कोर्टिसोल बना दिए तो उस केस में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन बना दी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने जब ऑक्सीटोसिन रिलीज किया तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज। हर बार ऑक्सीटोसिन की अमाउंट क्या हो जाती है, पहले से बढ़ती रहती है, और इसकी अमाउंट को बढ़ाने में जो रोल प्ले करता है वो क्या करता है, इंक्रीज एस्ट्रोजन करता है। इंक्रीज एस्ट्रोजन भी स्टिमुलेट कर देता है रिसेप्टर्स को, और जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। यानी कि इसके अंदर जो काम करता है वो पॉजिटिव फीडबैक भी क्या करता है, काम करता है, जो हार्मोन्स की अमाउंट को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब आता है कि जो हमारा प्रोसेस है किसका, पार्चुरेशन का, इसको थ्री स्टेजेज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज होती है जिसे स्टेज ऑफ डायलेशन बोलते हैं, कौन सी स्टेज, स्टेज ऑफ डायलेशन। ये डायलेशन किसका है, सर्विक्स का। यानी कि जैसे ही आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो उस केस में सर्विक्स जब तक कंप्लीट डायलेट नहीं होती तो इस, तो ये सर्विक्स के डायलेशन में ये रोल प्ले करेगा। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज डायलेशन बताई, ये डायलेशन किसकी है, सर्विक्स की। जैसे ही ऑक्सीटोसिन आपका क्या है, रिलीज होगा, उससे पहले सर्विक्स क्या करती है, डायलेट होती है। और ये कितना टाइम लेती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में 6 से लेकर 24 आवर। ये ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है विद मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी मदर के अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसका पार्चुरेशन होगा तो सर्विक्स डायलेशन ज़्यादा टाइम लेती है। यदि सेकेंड थर्ड बेबी है तो सर्विक्स को डायलेट होने में क्या लगता है, कुछ ही टाइम लगता है। फर्स्ट वाला टाइम कितना ले सकता है, 6 से लेकर 24 आवर, यानी 1 डे। बट मल्टीपल प्रेगनेंसी में इसका टाइम रिड्यूस होकर फ्यू क्या हो जाते हैं, मिनट्स हो जाते हैं। इसमें सर्विक्स क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, जो डायलेटेड हो जाती है किसकी वजह से, बाय प्रेजेंटिंग पार्ट। आपको पता है सबसे पहले बेबी का हेड बाहर आता है क्योंकि हेड का डायमीटर बॉडी पार्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जैसे ही ये हेड पार्ट सर्विक्स की तरफ आता है तो ये क्या करता है, रिसेप्टर्स होते हैं सर्विक्स पे, उस पर काम करता है जिससे सर्विक्स डायलेट होनी स्टार्ट हो जाती है। और मदर के अंदर जो एमनियोटिक कैविटी है जिसमें बेबी ग्रो कर रहा है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। ये अब क्या होती है, फर्स्ट स्टेज है। दिस इज शोन बाय दिस डायग्राम। सबसे पहले देखो ये बेबी का हेड नीचे की तरफ आ गया,
बेबी के हेड ने स्ट्रेच कर दिया किसको, सर्विक्स को। फिर सर्वाइकल, जब सर्विक्स स्ट्रेचिज हो गई तो उसने फंडी कॉन्ट्रैक्शन कर दी। फंडी का आपको पता है यूट्रस का पार्ट है। फंडी कॉन्ट्रैक्शन ने बेबी को नीचे की तरफ ला दिया और इसने स्ट्रेच कर दिया सर्विक्स रिसेप्टर को मोर। ये साइकिल बार बार इस तरह से क्या होता रहता है, रिपीट। देखो आपको क्या बताया कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डायलेशन है वो किसकी वजह से हो रही है, बेबी। बेबी का हेड सबसे पहले सर्विक्स को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, और सर्वाइकल स्ट्रेचिंग फिर बाद में एक्साइट कर रही है फंडस रीजन को। फंडस कॉन्ट्रैक्शन पुश कर देती है बेबी को नीचे की तरफ, और जिसकी वजह से क्या है, बेबी नीचे आता है और ज़्यादा सर्विक्स के रिसेप्टर स्ट्रेच हो जाते हैं, और ये प्रोसेस क्या रहता है, कंटिन्यू। सेकेंड स्टेज आती है, वो क्या होती है, इसे एक्चुअली डिलीवरी स्टेज बोलते हैं। इसमें बेबी बाहर आ जाता है किससे, मदर के यूट्रस से, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्चुअली डिलीवरी ऑफ बेबी। यानी फर्स्ट स्टेज आपकी कौन सी होती है, डायलेशन की। सेकंड स्टेज होती है, इस स्टेज में बेबी का बाहर आना, इसे क्या बोलते हैं, एक्सपल्शन। सेकंड स्टेज कौन सी होती है, एक्सपल्शन स्टेज। एक्सपल्शन स्टेज है ये, यानी बेबी का बाहर क्या होना, एक्सपेल होना। बेबी पासिस थ्रो करेगा वेजाइनल केनाल से, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना ये लाइंड अप होके क्या बना देती है, बर्थ केनाल। ये सब मिलकर एक बर्थ केनाल बन जाएगी। मैक्सिमम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, साथ साथ एब्डोमन भी इसमें क्या करता है, रोल प्ले करता है। मैक्सिमम जो फोर्स एक्सर्टेड होती है कब, एक्सपल्शन के टाइम। और ये स्टेज कितना टाइम लेती है, 10 मिनट से लेके फ्यू आर तक ले सकती है, 10 मिनट टू फ्यू आर। यानी कि इसमें बेबी क्या हो जाता है, बाहर डिलीवर। ये देखो, इसमें अब सर्विक्स ब्रेक हो गई, यूट्रस, सर्विक्स, विजाना एक ही लेयर बन गई, और इसका हेड रीजन अब बाहर की तरफ बेबी का आना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ये देखो सर्विक्स, ये सब कॉमन बन गया, और ये स्टेज कौन सी हो गई आपकी, एक्सपल्शन की। थर्ड स्टेज आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल स्टेज। यानी कि जब बेबी बाहर आ जाता है तो लास्ट में क्या है, प्लेसेंटा भी बाहर की तरफ आता है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कौन सी स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज। यानी इसमें डिलीवरी होने के बाद तो अब बाहर किसकी डिलीवरी होगी, प्लेसेंटा की। ये कितना टाइम लेता है, 10 से लेके 45 मिनट्स लेता है आफ्टर बर्थ। यूट्रस इसमें वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है स्मॉल साइज में, यूट्रस वापस अपनी नॉर्मल शेप लेगा। जो वॉल्स ऑफ यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, प्लेसेंटा डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता यूट्रस की वॉल के कॉन्ट्रैक्ट होने से, इसे शीरिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा और ये क्या है, ब्लीडिंग होने लग जाएगी साइड से, और कितना एवरेज ब्लड लॉस होता है, 350 ml। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस रिड्यूसेस द ब्लीडिंग। जो ये क्या है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसे ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो लोकल प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं वो ब्लड वेसल के साइज को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि और ब्लड का लॉस ना हो। यानी कि इस स्टेज में डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा का बाहर आना, और इस स्टेज को कौन सी बोल रहे हैं, प्लेसेंटल स्टेज। और इसमें मैंने बताया प्लेसेंटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बस यूट्रस की वॉल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट। इस स्टेज को होने में कितना टाइम लग जाता है, इसमें 10 से लेके 45 मिनट्स। और ब्लीडिंग मदर में स्टार्ट हो जाती है, बट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या करती है, इसको रिड्यूस करती है ब्लीडिंग को, साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन भी रोल प्ले करते हैं, जिससे कंस्ट्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये देखो थर्ड स्टेज आ गई, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसे बेबी अटैच होता है किससे, मदर के साथ। अब बेबी तो बाहर क्या हो गया, एक्सपेल हो गया। ये एक्सपेल हो गया तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो इसको अटैच कर रही थी, ये प्लेसेंटा है, अब इसका बाहर आना, ये इसकी कौन सी होती है, थर्ड स्टेज। अब देखो इस डायग्राम में मैंने सारे पॉइंट्स इकट्ठे शो किए हैं। सबसे पहले देखो ये क्या है, बेबी मदर के वूम में पड़ा है। इस केस में इसका गेस्टेशन पीरियड क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जब इसका गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, पहले इसके अंदर क्या है, मूवमेंट हो रही है, इसे फ्लेक्शन बोला है। इस फ्लेक्शन मूवमेंट में क्या हुआ, बेबी का हेड स्ट्रेच कर रहा है किसको, सर्विक्स को। फिर देखो इसके बाद इसके हेड ने इंटरनल रोटेशन करी,
रोटेशन करने के बाद इसने सर्विक्स के रिसेप्टर को और ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया। जब ये और वो हो गए स्ट्रेच तो डायलेशन हो गई। अब बेबी बाहर आना क्या हो गया, शुरू हो गया। बेबी जब बाहर आ गया तो इसका नाम क्या रख दिया, एक्सटेंशन। फिर इसके बाद इसने पहले तो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड की, अब बाहर आके इसने एक्सटर्नल रोटेशन की। क्योंकि आप देखो बेबी के हेड पे जब हम हाथ लगा के देखते हैं तो इस केस के अंदर तो बेबी के हेड वो सॉफ्ट और पल्पी होता है। जब बेबी सर्विक्स से बाहर आता है, सर्विक्स इसमें काफ़ी इंच सेंटीमीटर तक ओपन हो जाती है, 20 सेंटीमीटर तक। और उस केस के अंदर ये हेड की बोन्स क्यों सॉफ्ट होती हैं, ये फ्लेक्सिबल गैप्स होते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बाहर एक्सपेल हो जाता है। जैसे ये बेबी एक्सपेल हो गया तो आपको पता है ये जुड़ा किससे होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो पहले अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आई और पीछे जो पड़ा होता है वो कौन सा होता है, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा स्टेज क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। ये कम्प्लीट डायग्राम है जो क्या है, पार्चुरेशन को क्या कर रहा है, शो। ये 3 स्टेजेज बताई हुई हैं पार्चुरेशन की, स्टेजेज ऑफ डायलेशन, एक्सपल्शन और प्लेसेंटल स्टेज। सबसे पहले आप देखो यहाँ बेबी लाई कर रहा है, ये रेड पार्ट यहाँ दिखाया है, ये पार्ट कौन सा है, प्लेसेंटा पार्ट है। प्लेसेंटा से किससे जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से। 9th मंथ में फीटस रेडी हो गया। फिर हेड पार्ट ने सर्विक्स पे वो किया तो एमनियोटिक कैविटी इसकी क्या हो गई, रप्चर हो गई। ये फर्स्ट स्टेज थी जिसमें सर्विक्स क्या हो गई, डायलेट। सेकेंड स्टेज में सर्विक्स पूरी डायलेट हो चुकी है। अब बेबी बाहर आना क्या हो गया है, शुरू हो गया है। थर्ड स्टेज में बेबी जिससे जुड़ा हुआ था इस रीजन से, यहाँ पे क्या थी, अम्बिलिकल कॉर्ड। पहले तो अम्बिलिकल कॉर्ड आती है जिसे डॉक्टर कट कर देता है, बाद में इसके पीछे पड़ी हुई स्टेज कौन सी है, प्लेसेंटल स्टेज, वो बाहर आनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब देखो जब भी डिलीवरी हो गई, अब यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, किसमें, प्रेगनेंसी के टाइम में। यूट्रस को अपनी शेप वापिस लेनी है तो यूट्रस जिस प्रोसेस में जाता है इसे क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन बोलते हैं। इन्वोल्यूशन कब होता है, विद इन 4 to 5 वीक आफ्टर पार्चुलेशन। हम कहते हैं 40 डेज मदर को लग जाते हैं, सुनने में ये आता है 1 मंथ आराम से, या 30 से 35 डेज, जिसके अंदर उसका यूट्रस नॉर्मल शेप लेता है। यूट्रस जो वेट होता है यूट्रस का वो 1/2 kg होता है, नियर अबाउट हाफ हो जाता है। वेट ऑफ यूट्रस इज 1/2 द वेट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट विद इन द 1 वीक आफ्टर पार्चुरेशन, और उसका रिड्यूस हो जाएगा वेट। एक नर्सिंग मदर में यूट्रस का साइज क्या हो जाता है, स्मॉल होता है एज प्रायर टू प्रेगनेंसी, विद इन द 4 to 5 वीक, यानी इतना टाइम लग जाता है यूट्रस को वापस शेप लेने में। ड्यूरिंग अर्ली जब इन्वोल्यूशन होती है तो उस केस के अंदर विजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है प्लेसेंटल साइड से, और ये कब तक रहता है, ये 1.5 से 2 वीक तक रहता है। इनिशियली वो क्या होता है, ब्लडी होता है, धीरे धीरे ये सिरोसम में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में एंडोमेट्रियम भी वापस रीसिंथेसाइज होनी शुरू हो जाती है, यानी रीएपिथेलाइज्ड हो जाती है। जो डिस्चार्ज होता है वजाइना से वो क्या हो जाता है, बंद। और फीमेल के अंदर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाता है, स्टार्ट। अब देखो जब एक बेबी बाहर आ रहा है तो प्रेगनेंसी आपकी क्या है, होने के बाद पार्चुरेशन का टाइम थोड़ा सा क्या रहता है, ज़्यादा। बट कुछ कुछ मदर्स के अंदर क्या है, ट्विंस होने के चांस आ जाते हैं। जब ट्विंस की फॉर्मेशन होती है तो उस केस में जो पार्चुरेशन का टाइम और रिड्यूस हो जाता है। अब आता है कि कितनी तरह के ट्विंस हैं। ट्विंस 2 तरह के होते हैं, एक नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और एक ट्विंस आपके कैसे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं। देखो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, इन ट्विंस को हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आइडेंटिकल का मतलब ही क्या है, मोनोजाइगोटिक यानी वो सेम है, या तो दोनों ही बॉयज होंगे या दोनों ही क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। यानी एक ही जाइगोट इन दोनों ट्विंस को क्या कर रहा है, बना रहा है। और जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है इन्हें क्या बोलते हैं, डाईजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। एक टर्म और यूज की जाती है नॉन आइडेंटिकल के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, फरेटनर। ठीक है, क्या बताया, फरेटनर, दिस इज द स्पेलिंग। ठीक है, फटरनर जो हम बोलते तो वो कौन से होते हैं, डाईजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। अब देखो नाम ही पता चल रहा है डाईजाइगोटिक, यानी वो ट्विंस होते हैं जो किससे बनते हैं, 2 डिफरेंट फर्टिलाइज्ड एग, यानी इसमें 2 एग, ये एक एग है, ये दूसरा एग है, ये स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया, ये भी स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया, तो यहाँ से कितने जाइगोट बने, 2। बट यहाँ पे तो क्या है, एक ही जाइगोट है, एक जाइगोट आगे जाके कितने में स्प्लिट हो गया, 2 में।
यानी कि एक तो आपके कौन से हो गए, आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक आपके कौन से हो गए, पटरेटनल ट्विंस हो गए, फटरनल बोल देते हैं जिसे, डाइजाइगोटिक ट्विंस। इसमें एक ही जाइगोट से बनते हैं, एक ही फर्टिलाइज्ड एग से, और ये दो डिफरेंट फर्टिलाइज्ड एग से बनता है, यानी कि इसमें एक ही स्पर्म फर्टिलाइज एक ही एग के साथ करता है, और यही जो जाइगोट बना डिवाइड हो जाता है किसमें, दो डिफरेंट एम्ब्रियोस में, यानी इसमें जेनेटिक जो मेकअप होता है वो लगभग क्या रहता है, सेम रहता है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या होता है, डिफरेंट। ये दोनों दो बॉयज भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं, और एक बॉय और एक क्या हो सकते हैं, गर्ल, बट आइडेंटिकल ट्विंस में सेक्स भी सेम रहेगा, आइदर बॉयज और आइदर गर्ल। इसके अलावा एक थर्ड कंडीशन आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंटेड ट्विंस। कॉन्जॉइंटेड ट्विंस ऐसे होते हैं जो दो ट्विंस हैं वो किसी ना किसी रीजन से आपस में जुड़े हुए हैं, या तो सुपीरियर हेड रीजन से, या इन्फीरियर लेग रीजन से, या आपका क्या है, सुपीरियर, इन्फीरियर और एक मिडल, मिडल में है तो एब्डोमन से जुड़े होंगे। इन ट्विंस को हम क्या बोलते हैं, साइसम ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाम ट्विंस बोलते हैं। इसको सियाम ट्विंस का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि थाईलैंड में सबसे पहले ये ट्विंस हुए, जिसका नाम, ये बोर्न कहाँ हुए थे, सियाम में, थाईलैंड के अंदर, ये इतना वर्ड डाला सियाम, ये कहाँ है, थाईलैंड में, वहाँ ये ट्विंस हुए थे, जिसका नाम चैंग और एंग थे। क्या नाम बताया आपको, एक तो CHANG चैंग, चाइनीज से ये, और दूसरा क्या था, एंग, और ये कौन सी जगह पे हुए थे, साइम में, और ये कहाँ की थी, थाईलैंड की, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, सियाम्स बोल दिए ट्विंस। यानी ये कॉन्जॉइंटेड, ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, इसमें दैट हैव नॉट सप्लिट प्रॉपरली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ये ट्विंस प्रॉपर सेपरेट नहीं हो सकते, वो बॉडी को शेयर करते हैं, या अपने वाइटल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, शेयर। यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस क्रिएटेड किससे होते हैं, सेम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से, बट इसमें एग्स, इफ एग डज नॉट सेपरेट विद इन द 12 डेज, इट विल नॉट सप्लिट कम्प्लीटली। यदि एग सेपरेट नहीं होता इसमें 12 डेज के अंदर, तो ये क्या है, स्प्लिट नहीं हो पाते, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग टू सेपरेट एम्ब्रियो, टू एम्ब्रियोज रिमेन्स क्या हो जाते हैं, अटैच, ये कोशिश करते हैं बेबी टू ग्रो इनटू वन अनदर। दिस इज द डायग्राम ऑफ द साइमस ट्विंस। इस तरह से हमने इस लेक्चर में एक तो प्रोसेस स्टडी किया है किसका, पार्चुरेशन का। सेकेंड, इसमें हमने टाइप्स ऑफ क्या कर लिए, ट्विंस कर लिए। ट्विंस आपको बताया, एक तो कौन से, फटरनल जिसे डाइजाइगोटिक, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, तीसरे कंजॉइंटेड ट्विंस जो किसी रीजन से अटैच हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, कंजॉइंटेड या क्या बोलते हैं, सियाम्स ट्विंस बोलते हैं। दिस इज ऑल रिगार्डिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन एंड ट्विंस। Thank you.